दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन पूरे संसार के लिए एक अलग ही दौर लेकर आया है, जिस दौरान हमारे साथ काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, नए बदलाव आए और इसके साथ ही हमारे मन में कई तरह के सवाल भी आए। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉकडाउन, जिसमें जो हम आपके सवाल हैं उनको एक्सपर्ट्स के आगे रखेंगे और हम चाहते हैं कि इस सीरीज के थ्रू जो आपके सवाल हैं उनका समाधान आपको मिल पाए। आज हमारे साथ ऐसे ही एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। आई एम ऑल्सो गुड। तो मैम, आज जो हमारे जन हितैषी के व्यूअर हैं उन्होंने एक मुझे क्वेरी भेजी है, मैं आपको उसके सामने रखूंगी, आपके सामने, और आप उसका सोल्यूशन बताइएगा कि क्या सुझाव हो सकता है। ओके, आई विल सजेस्ट माय बेस्ट एंड आई एम रियली थैंक यू टू यू पीपल आर आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। ओके, तो मैम ये एक स्टोरी है, मतलब एक लड़की की जो कि इंडिया से बिलोंग करती है और वो एक लड़के से मिलती है एक वेबसाइट के थ्रू, लाइक शादी डॉट कॉम ऐसे, जीवन साथी, एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिलती है। तो वो काफी देर डेट भी करते हैं। अब उनकी शादी को जैसे लाइकली 5-6 मंथ हो गए, तो वो काफी खुश रह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, तो लड़के ने कन्फेस किया कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो उस लड़की को ना वहां पे छोड़ के चला गया लॉकडाउन में, दूसरी लड़की के पास। तो हाँ जी, तो इससे जो अब वो लड़की है ना, वो काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से डिप्रेशन कह सकते हैं, वो उस लड़के को छोड़ना भी नहीं चाहती और उसके मन में ये भी ख्याल है कि वो पेरेंट्स के पास जाएगी तो सोसाइटी क्या कहेगी। और जो लड़का है उसने भी बोल दिया है कि मैं तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगा, तू अगर ऐसे ही रहना चाहती है तो मेरे साथ रह सकती है। तो इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? अगर तो वो लड़की इंडिपेंडेंट है, हाँ, तो मुझे लगता है कि उसको ब्रेवली अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना चाहिए। उसको कोई इमोशनल, इफ द बॉय इज नॉट इमोशनली अटैच, तो उसको कोई जरूरत नहीं है अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे लड़के के पीछे लगा देनी चाहिए जिसको उसके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है। उससे वो सिर्फ वो अपने आप को सफर करेगी, अपने आप को खराब करेगी, दैट्स इट। एंड द सेकंड थिंग कि लोग क्या कहेंगे, सी द वर्ल्ड इज गोइंग टू जज यू नो मैटर व्हाट यू डू, और कुछ भी आप करें ना करें पीपल आर गोइंग टू जज यू। सो आई बिलीव यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ, रियलिटी में जीना सीखिए, जो सच है उसको फेस कीजिए। अभी ही कांट चेंज ना कि वो जो 6 मंथ्स पहले हुआ, चलो जो डेस्टिनी जैसे भी व्हाटएवर हैज हैपेंड वो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने फ्यूचर को तो अच्छा बना सकते हैं ना। तो आई ट्रूली बिलीव शी शुड फेस द रियलिटी, उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एंड जो इमोशनल अटैचमेंट है वो ना टेम्परेली होता है। सी यहाँ हमारे हमें लगता है कि ये चीज हमसे छूट जाएगी तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, इस नथिंग लाइक दैट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेली। आज हम COVID-19 में गिरे हुए हैं तो हमें लगता है ना कि क्या होगा लाइफ में, एक दिन ऐसा आएगा सपोज इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलता तो हम लोग इससे भी यूज, तो हम इसमें भी रहना सीख जाएंगे। इट्स नॉट परमानेंट। बिल्कुल। एट द सेम टाइम अपने आप को उन चीजों में मत इन्वॉल्व कीजिए जो हमें पता है हमें लाइफ लॉन्ग हमें सफर करनी पड़ेगी। इफ शी इज इंडिपेंडेंट, इफ शी कैन लिव देयर बाय हर ओन, तो इट्स वेल एंड गुड। अगर वो वापस आना चाहती है, शी शुड टॉक टू हर पेरेंट्स। अगर वो भी नहीं, कई बार होता है इंडियन पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं हमारी लड़की ऐसे, हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, तो लोगों का छोड़ दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है अपनी लाइफ के लिए आप उसके लिए वो डिसीजन लीजिए। आई नो इट्स नॉट इजी, बट ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, बट बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है। तो मैम, मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि परमानेंट हैप्पीनेस वो ही है अपने लिए, तो उस पे फोकस करना चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली। और हम क्यों दूसरों की गलतियों को अपनी लाइफ में, उसको अपनी लाइफ के साथ सफर करने दें? द पर्सन हैज डिड समथिंग रॉन्ग ना, तो वो व्हाई शुड आई सफर फॉर बैड थिंग। बिल्कुल। उसने गलत किया है ना, तो मैं अपनी लाइफ को उसके लिए क्यों स्पॉइल करूं? शी हैज अ गुड लाइफ, शी कैन लिव। बिल्कुल। थैंक यू मैम। दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच। और मेरे हिसाब से खुश रहने का ना सबसे बड़ा गुरु मंत्र, हाँ जी, सब नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए अपने आसपास, बिलीव इन पॉजिटिविटीज,
आप जब हर एक नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव वे से सोचेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. एंड फॉर योर दैट फ्रेंड, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, शी शुड नॉट श्रिंक हरसेल्फ इन ऑर्डर टू मेक अदर्स फील कंफर्टेबल. बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, आपने बड़ा ही अच्छा एक सजेशन दिया है हमें. तो दोस्तों, ये तो थी हमारे एक्सपर्ट की राय. अगर आप भी इस मैटर के रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं. और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सवाल आपके मन को बार बार परेशान कर रहा है, उसको भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक मैसेंजर पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आपको जो है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू कुछ अच्छा बेटर सोल्यूशन सजेस्ट कर सके इसके रिगार्डिंग. थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ.